देखिए बच्चों, हमारे पास एक वर्डिंग है, जैसे थोड़ा सा इसका हमें बताया गया था कि हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या थे, कब कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले 1865 में मैक्सवेल predicted the existence of electromagnetic waves की existence के बारे में करा था, on the basis of Maxwell's equations, जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी उसके बेसिस पे, और उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो थे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ रीजन ऑफ ईदर इलेक्ट्रिक और द मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन इज प्रोड्यूसिंग द अदर, इज प्रोड्यूसिंग द अदर, मतलब एक जो है वेरिएशन बेटा। फिर बेटे 1887 में इसको और अच्छा करने के लिए हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स radiation as well as its detection in the labs mein iski detection ki gayi. Fir 1894 mein J.C. Bose demonstrated electromagnetic waves of short range having wavelength 5 millimeter to 25 millimeter. फिर 1896 में मैक्सवेल एक्सप्लेन्ड हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपगेट for large distances कैसे वो large distances के लिए propagate करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1899 में मार्कोनी डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेसफुल
ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट बी डे 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर के डिस्टेंस तक उसको समझ पाए, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ना मतलब ये सारे इन चीजों के बारे में आपको पता ही है, जो भी कुछ अच्छा हम डिस्कशन करते हैं तो उसकी घनक जो होती है दूर दूर तक जाती है। इस वजह से इसको करने के लिए बहुत मतलब 1865 से लेके 1899 तक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, और सबसे रिलायबल एक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था जिसने इसको प्रूफ किया, जो कि 1887 में कर दिया गया था। इसमें क्या था कि हमारे पास ऐसे प्लेट्स थी और यहां पे स्फीयर ऐसे और ये दो प्लेट्स के बीच में हमने एक स्फीयर लगा दिया और यहां पे हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर HFO भी बोल देते हैं या हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या हाई वोल्टेज सप्लाई लगा दिया। और ये दो स्फीयर्स थे एक्स और वाई जिसमें हाई वोल्टेज लगा हुआ था, तो यहाँ पे चार्ज जो था वो ऑसिलेट कर रहा था, कभी इधर से इधर ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, और जब ये ऑसिलेट कर रहा था तो रेडिएशन एमिट हो रही थी। और यहाँ पे हमारे पास एक डिटेक्टर था जो इन ऑसिलेशंस को डिटेक्ट कर रहा था। ओके, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जैसे ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर या वोल्टेज जो है एक तरह से एक इंडक्टर बन गया, और ये जो दो तुम्हारे पास प्लेट्स हैं ये तुम्हारे पास एक कैपेसिटर बन गया, और ये दो प्लेट्स जो तुमने यहां पे लगाई थी एक तरह से ये LC ऑसिलेटर बन गया। और LC ऑसिलेटर में तुम्हें पता ही है जब LC ऑसिलेटर होगा तो वेव्स प्रोड्यूस होगी। ओके, दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसमें मतलब इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया गया। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बेटा ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन एंड डिटेक्शन। उसका रेडिएशन का प्रोडक्शन और उसकी डिटेक्शन के लिए ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट। इसमें बेसिकली क्या बोला गया कि P1 एंड P2 दे बिहेव लाइक कैपेसिटर्स, दे बिहेव लाइक कैपेसिटर ड्यू टू वेरी लो सेपरेशन, ड्यू टू द वेरी लो सेपरेशन बिटवीन द स्फीयर्स एक्स एंड वाई। हार्डली कितना था इन दोनों प्लेट्स के बीच का दूरी, 60 सेंटीमीटर।
सिर्फ 60 सेंटीमीटर दूरी था। इस वजह से ये जो दो प्लेयर्स लगी थी हमारे पास, ये वाली, इनको तुम कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसको तुम कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हो। सो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव, तो क्योंकि वो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। तो हम द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिटवीन द स्फीयर्स, जिसने क्या किया, जब तुम कहीं पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो वो क्या करता है, वो एयर को आयोनाइज कर देता है। सो वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्फीयर्स व्हिच कॉजेस, तुम्हें याद होगा मैंने जब बोला उसको आयोनाइज कर देता है तो तुम्हें पता है इसका नाम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सो व्हिच कॉजेस द dielectric breakdown, which causes a dielectric breakdown, किसका, air का, and thus in ionized sphere, thus in ionized sphere इलेक्ट्रिक स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि आयोनाइजेशन हुई है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड। ओके, सो द इंडक्टेंस, inductance between the plates is very low, as all jitni bhi rods or कनेक्टिंग वायर्स जो हैं वो कंडक्टिंग है, क्योंकि अगर फ्लक्स चेंज करता हुआ कहीं पे, तो फ्लक्स चेंज के करने की वजह से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इसलिए तो यहां पे हम ये बोलते हैं, मतलब कहने का कि इंडक्टेंस सिर्फ यहां पे है एचएफओ में, प्लेट्स वायर्स के बीच में नहीं है, मतलब ये कह रहा है। ठीक है, फिर ये बोलता है कि due to the low values of L and C, अब इसको जब तुम low कर दोगे तो frequency क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। So the oscillation frequency is very high given as frequency 1 by 2 pi square root of LC, ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट है और इसका जो नियरली वैल्यू रहता है 10^7 हर्ट्ज रहता है। सो हम बोलते हैं कि ड्यू टू high frequency variation of electric and magnetic field in spark because of, जैसे मैंने बोला था, oscillating charges, चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटेड इन सराउंडिंग्स,
इन द सराउंडिंग्स. सो उसके बाद बोलते हैं इफ द गैप इज इफ द गैप इन डिटेक्टर कॉइल इज पैरेलल टू द स्पार्क गैप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिटेक्टेड, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है. Okay. बस यही काम है बेटा इस कॉन्सेप्ट में जो जो हम लिख रहे हैं. ठीक है, देखिए फिर आ गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसमें क्या होता है कि मैक्सवेल गेव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड हर्ट्ज. मतलब ये चैप्टर ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है, जो हो गया इस पास्ट में उसी को पढ़ना है बस. कहानी कह रहा हूं, मैक्सवेल गेव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड हर्ट्ज एंड जेसी बोस एंड अदर्स अदर फिजिस्ट एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड दीज वेव्स based on their experiments, जैसे जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, जो जो वेव्स उन्होंने देखी समझी उसके बारे में वैसे ही कहा गया. ओके, उसको जरूर याद रखिए, जबरदस्त पॉइंट है. ओके, बेस्ड ऑन देयर एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडी. ओके एंड द स्टडी. सो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट वॉज एनालाइज्ड एंड एक्सेप्टेड. इसको एनालाइज और एक्सेप्ट भी किया गया. ओके, अब क्या क्या थे वो फैक्ट्स उसको देखते हैं. सबसे पहला तो ये था कि ईएम वेव्स जो है दीज आर द ट्रांसवर्स
इन नेचर, ये ट्रांसफर्स इन नेचर है, नेचर के अंदर ये ट्रांसफर्स है। ट्रांसफर्स तो मैं पता ही है कि दे वाइब्रेट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिधर को वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर। हम इसमें बोलते हैं फिर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है, एंड साइनोसॉइडली वेरिंग, साइनोसॉइडली वेरिंग विद टाइम, एंड वेव प्रोपागेट इन डायरेक्शन नॉर्मल टू बोथ, नॉर्मल टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। एंड द फंक्शन, ये बेटा तुमने, ये जो मैं तुम्हें लिखवाने वाला हूं, ये बेसिकली तुमने वेव्स चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लास 11 का, उसमें प्रोपागेशन ऑफ वेव्स पढ़ा था और इसमें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव लिखते थे, याद है? इसका नाम था y is equal to a sin omega t minus kx, बस वही इसमें आने वाला है। तो द फंक्शन ऑफ द ट्रांसफर कंपोनेंट अलोंग x एंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x, ट्रांसफर्स कैन बी गिवन एज, कैन बी गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम E नॉट लिखोगे, साथ में साइन लिखोगे और ए एक्स माइनस ओमेगा टी लिखोगे, लेट इट बी अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लिखना है तुम्हें, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कंडीशन ये है, ये के क्या पाएगा, तुम्हें तुम्हें बोल ही दिया। और प्रोपागेशन के लिए तुम्हें बता ही दिया कि ई क्रॉस बी, ये तुम्हारे पास J कैप है और ये K कैप है, और J क्रॉस K क्या होता है, I, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, I कौन है, X एक्सिस, X एक्सिस की तरफ ये प्रोपगेट कर रहा है, ओके। सेकंड तुमने पढ़ा हुआ है, मैंने तुम्हें करवाया था मैग्नेटिक फैक्टर ऑफ करंट में भी, कि द रिलेशन इन amplitudes of electric and magnetic field, amplitudes का मतलब समझते हो ना, amplitude का मतलब मैंने तुम्हें बताया था waves chapter में भी, उसका मतलब होता है maximum value, amplitude, amplitudes of electric and magnetic field in electromagnetic waves is like बेटे E naught is equal to C B naught, E naught is equal to C B naught, तुम्हें याद है मैंने उसमें करवाया था ना, याद है Q B B is equal to Q E, Q और Q कट गए, Q कितना आ गया, सॉरी तो E कितना आ गया, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे तुम्हारे पास वेलोसिटी कौन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, वही लॉजिक है, कुछ नई चीज आई नहीं। और उसके बाद हम लिखते हैं द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बाद हम लिखते हैं द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू
वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। उसको याद रखिए। ये रिजल्ट आ गया जबरदस्त। ओके ओके, अब देखिए बच्चों, आई होप यू आर एंजॉयिंग एंड राइटिंग ऑल्सो। इफ यू आर राइटिंग ना, सिंपल सिंपल सीधी सीधी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सिर्फ ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो एक तरह से तुम कैसे कंक्लूजन निकालते हो, तो ये चारों चैप्टर्स का कंक्लूजन है, यही बात है बस। ठीक है, अब सुनो आगे। अब हम लोग प्रूव करने लगे हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या रहता है, सुनो। इसमें रहता है कि मान लो जैसे हमारे पास इस तरफ एक्स एक्सिस है और इस तरफ वाई एक्सिस है और इस तरफ जेड एक्सिस है, कुछ ऐसा। और तुम्हें जैसे बताया जा रहा है कि मान लो एक कोई प्लेन बना लो ऐसे, इसका नाम तुम समझते होगे ये, और प्रूव करना है ट्रांसवर्स नेचर है। तो तुम्हारे पास एक ये वाला एरिया, छह एरियाज आएंगे और तुम ये बोल रहे हो कि वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग दिस एक्सिस, वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग दिस एक्सिस। और इसमें क्या है कि इसका नाम होता है रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम, ये इसका नाम है। इसमें जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना फ्लक्स ही लीव कर रहा है, फ्लक्स एंटरिंग और फ्लक्स लीविंग दोनों इक्वल है एंड ऑपोजिट है। ठीक है, जितना फ्लक्स एंटर किया उतना लीव कर गया, नेट फ्लक्स जीरो हो गया। मैं तुम्हें अभी लिखवा रहा हूं ये चीज। ठीक है, मान लो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ऐसा होता। तो मेरा पॉइंट सुनो कि इफ वी कंसिडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is traveling along x direction, along x direction, this implies electric field is varying with x and t। मतलब जिधर एक्स जा रहा है तो एक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो तुम्हें पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने का मतलब क्या रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने का मतलब रहता है कि विद द पोजीशन एंड टाइम इट इज चेंजिंग। इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो ई वेक्टर इज वेरिंग विद एक्स एंड टी। और मान लो इफ ई एक्स और तुम्हारे पास ई वाई और ई जेड, क्योंकि तुम्हें पता ही है जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेते हो तो तुम्हारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड, दे आर द कंपोनेंट्स, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ
E vector, then for a cuboid surface as shown, we have from Gauss's law. So phi cuboid जो है तो zero आएगा क्योंकि जितना enter कर रहा है उतना leave कर रहा है, तो यहां से ये पता लग रहा है ये zero इसलिए है because as no net charge is enclosed in it, उसके अंदर कोई भी नेट चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है, ओके ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब सुनो, हमने ये बोला कि सिर्फ एक्स कंपोनेंट जो है वो चेंज कर रहा है, वाई कंपोनेंट चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं एज EY and EZ, they are not changing with Y and Z. But ये constants ही हैं. So we say that a flux in Y and Z direction is zero, as whatever flux is entering, same is leaving. इस वजह से Y और Z में, जैसे ये तुम्हारे पास, मैं तुम्हें बता देता हूं, जैसे तुम्हारे पास ये वाई था, एक प्लेन तुम ये वाला ले लोगे और एक प्लेन तुम ये वाला ले लोगे, ये वाई एक्सिस है। यहां से जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है फील्ड, उतना फील्ड लीव कर रहा है क्योंकि एरिया तो दोनों का सेम ही है। और इन द सेम वे ये तुम्हारे पास जेड एक्सिस है और एक प्लेन तुम ये वाला ले लोगे और एक प्लेन तुम ये ओरिजिन वाला ले लोगे, तो यहां से जितना फ्लक्स ऐसे एंटर कर रहा है उतना फ्लक्स ही यहां से लीव कर रहा है, ये इक्विवेलेंट ऑपोजिट फ्लक्सेस आ गए। सो एक बार ये चीज देखना, मैं तुम्हें ये डायग्राम जो ऊपर बनाया था ये दोबारा से बना के दे रहा हूं। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ऐसे ही है बेटा, ठीक है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इसमें 10th क्लास की याद आ जाती है, थ्योरम्स की, पता है ना, कुछ समझ लगे ना लगे बोल दो, हैंस प्रूफ, दैट इज कॉल्ड एज द हैंस प्रूफ। मैं फ्लक्स इनके नाम लिख देता हूं, ये ओ आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ ऐसा। तो तुमने ऑलरेडी ये चीजें मान ली कि ये तुम्हारे पास एक्स है, ये तुम्हारे पास वाई है और ये तुमने मान लिया ये जेड है। अब तुम जल्दी जल्दी से देखो, अगर तुम्हें बोला जाएगा वाई डायरेक्शन के लिए
अगर तुम्हें बोला जाएगा बेटे वाई डायरेक्शन के लिए, वाई के लिए मतलब जो तुम्हारे फेस फेसेस की बात करोगे, कौन से फेसेस आएंगे? तो एक ये वाला ए बी डी ई, ए बी डी ई ये वाला फेस वाई एक्सिस के लिए आएगा, और एक ये वाला आएगा ओ सी जी एफ ओ। और अगर एक जेड डायरेक्शन के लिए फेसेस की बात करी जाएगी इस क्यूबॉइड की जो तुमने कंसिडर किया था, इसके लिए कौन से दो फेसेस आएंगे जेड के लिए? ये वाला बी डी जी सी, बी डी जी सी बी, और दूसरा पीछे वाला ये वाला कौन सा? एफ ओ ए, ये वाला पीछे वाला फेस। और एक्स डायरेक्शन के लिए कौन सा फेस आएगा? एक्स के लिए ये वाला कौन सा फेस आएगा? ओ ए बी सी ओ, और आगे वाला ये वाला एफ एफ ई डी जी एफ, एफ ई डी जी एफ। अब हम लोग इन दोनों फेसेस के बारे में तो बोल चुके हैं, इनके लिए नेट फ्लक्स जीरो ही आ रहा है, क्योंकि तुम्हें तो टोटल फ्लक्स लिखना है। यहां पे तुम देखोगे नाउ टोटल फ्लक्स टू क्यूबॉइड सिर्फ एक कौन सा? ओ ए बी सी ओ आएगा, और एक एफ डी जी एफ आएगा, और ये जीरो के बराबर चाहिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। और यहां पे तुम देख सकते हो यहां से अगर फील्ड एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, इसका एरिया वेक्टर पीछे को होगा और इसका एरिया वेक्टर बेटे आगे को होगा, तो इस वजह से इसका फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा। और ये लोकेशन का नाम तुम, ये ओरिजिन पे है मान लो, ये इसका नाम रख दो ये ओरिजिन पे है और ये एफ पे है, ठीक है? तो तुम इसका नाम रख दो ई ओरिजिन, और एरिया का नाम एस रख दो, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एफ लोकेशन, और इसका नाम एस रख दो। और ये जबरदस्त पॉइंट देखो, एस तो कॉमन आ गया, ये आ गया ई एफ माइनस ई ओ, एस वॉट जीरो। अब तुम्हें पता ही है एस तो जीरो के बराबर नहीं है, तो दिस इंप्लाइज ई एफ और ई ओ दोनों बराबर है। यहां से कंक्लूजन कुछ जमाएगा, भले ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस की तरफ तो तुम्हारे पास फील्ड वेरी कर रहा है, पहले तूने लेट किया कि पहले वाले पे ईओ फील्ड है, बाद वाले पे ई एफ फील्ड है, लोकेशन का नाम लिख दिया ना एक्स एक्सिस के हिसाब से। तो अब तुमने प्रूव भी कर दिया यार ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है। फिर यहां से तुमने कंक्लूजन क्या निकाला? तुमने ये निकाला कि ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, एज इट इज नॉट ए स्टैटिक फील्ड। क्योंकि स्टैटिक फील्ड होता है, स्टैटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म। जैसे तुमने वाई और जेड को बोल दिया, पर एक्स एक्सिस वाले के लिए तुम बोल रहे हो कि ये तो वेरी करता है, तो अगर ये वेरी करता है तो ये दोनों इक्वल कैसे आने चाहिए? इक्वल तो आने नहीं चाहिए। तो यहां से यही कंक्लूजन निकाला, दस ई एफ एंड ई नॉट आर नो डाउट इक्वल, बट दे आर इक्वल टू वॉट? जीरो। और एक्स एक्सिस की तरफ तुम्हारे पास वेव प्रोपागेट कर रही है, तो तुम ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। सो हम ये बोलेंगे दस इन अबव एनालिसिस, दस इन अबव एनालिसिस इट इज क्लियर दैट along the direction of along the direction of propagation of electromagnetic wave,
इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट हैव एनी कॉम्पोनेंट, डज नॉट हैव एनी कॉम्पोनेंट. ओके तो हम ये बोलते हैं कि ये तभी पॉसिबिलिटी है जब उसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट उधर नहीं होगा. और उसमें बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग, इसलिए बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन ए डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सिमिलर एक्सप्लेनेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. यहां पे तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात किया, यहां पे तुम मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के बारे में बात कर सकते हो. ठीक है, ठीक है. हमारा थोड़ा सा काम रह गया बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ये हम लोग फॉर श्योर कल खत्म कर देंगे. और उसके बाद मंडे से वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक, इसका नाम रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, जबरदस्त पॉइंट बन जाएंगे. ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को. ओके, थैंक यू बच्चों.